वेलकम बैक टू माय चैनल। आ जाइए, आप लोग को दिखलाता हूँ मैं ओला का साफ सफाई, क्योंकि हो गया है काफी ज्यादा ओला गंदा। और इस स्कूटी में साफ सफाई रखना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर चक्का जाम होगा तो अपना चार्ज भी कम होगा। चार्ज कम होने का मतलब है कि बैटरी जल्दी उतरेगा और साथ ही साथ मोटर में भी इन्फेक्ट पड़ेगा और बैटरी भी जल्दी ड्रेन हो जाएगा और बैटरी गर्म हो जाएगा, क्योंकि उसको ज़्यादा लोड देना पड़ेगा। तो इसलिए अपने गाड़ी को धोना ज़रूरी है, इसलिए हम लोग उसको धुला रहे हैं। और वीडियो में ज़रूर बने रहिए, धुलने के बाद किस तरीके से दिखता है कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताना। और काफ़ी गंदा दिख रहा है अभी ओला। आप लोग को तो दिख ही रहा है, भैया को काफ़ी ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा है इस गाड़ी में, क्योंकि काफ़ी दिन से धुला नहीं था और इसके कारण काफ़ी ज़्यादा मट्टी जम चुका है, तो इसको साफ करना थोड़ा सा हो रहा है दिक्कत। और भैया इसमें काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट लगाते हुए और इसको काफ़ी अच्छे से साफ करते हुए, और उनको काफ़ी मज़ा आ रहा होगा, बेचारे को मेहनत करना पड़ गया काफ़ी ज़्यादा। ओला का सबसे ख़राब चीज़ ये इसका पीछे का जो बहुत कम लॉक होता है, कुछ भी हल्का सा भी दबेगा पट से खुल जाता है और ये बहुत ख़राब लगता है। कहीं भी जाओगे आओगे कोई दबा देता है, अच्छा नहीं लगता है। इसको थोड़ा सा इम्प्रूव कराना चाहिए ओला को। भैया मेरे को बोल रहे थे काफ़ी ज़्यादा गंदा हो गया है, काफ़ी ज़्यादा इसमें धोने का दिक्कत होता है, क्योंकि इसका पूरा जो जगह रहता है एकदम छोटा मोटा जगह रहता है, तो इसमें धोने में काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होता है। इसीलिए इसको टाइम टू टाइम आप धुला लिया करो, ताकि गाड़ी अच्छे से साफ रहे। और काफ़ी दिन हो गया लग रहा है आपका गाड़ी जो साफ़ नहीं हुआ है, तो हाँ भैया तो सही बोल रहे थे, मेरे को काफ़ी दिन हो गया मैं गाड़ी को धुलाया नहीं था, अपने से साफ कर रहा था। तो अपने से साफ करने में क्या है, सिर्फ बाहर का होता है, अंदर में जो मटेरियल जमा रहता है पूरा चिखल वगैरह पूरा जाम होके फंस गया था, तो उसमें क्या है काफ़ी ज़्यादा लोड पड़ रहा था गाड़ी को भी और इसको मैं ध्यान नहीं दे रहा था, तो मेरी गलती थी। तो फिर मैंने जाके इस बार साफ सफाई अच्छे से कराया, अच्छे से वॉश किए, भैया और बता रहे थे कि आपकी गाड़ी में काफ़ी ज़्यादा मिट्टी हो चुका है, जिसको टाइम टू टाइम आप साफ करा लिए करें, ताकि आपका गाड़ी अच्छे से चले। और फिर पूरा गाड़ी सेंसर तो है, तो इसमें शायद होने में भी थोड़ा डर लगता है, क्योंकि इसमें पानी वानी पड़ जाएगा, कुछ दिक्कत हो जाएगा करके। तो मैं भैया को बताया कि भाई वाटर प्रूफ है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो तो मैं ठीक है समझ गया बोले, लेकिन क्या है हम लोग के जो प्रेशर रहता है वो अगर किसी में ज़्यादा प्रेशर पड़ गया तो डैमेज होने का डर रहता है, तो आप अच्छे से इसको साफ करा लीजिए टाइम टू टाइम, तो इसमें आपको दिक्कत नहीं होगा। तो मैं फिर भैया को बोला ठीक है थैंक यू भैया बताने के लिए, और इसको मैं टाइम टू टाइम अब धुला लूँगा करके। फाइनली मेरा गाड़ी हो गया है अब तैयार, अच्छे से वॉश हो गया, अच्छे से साफ सफाई हो गया, और वॉश होने के बाद कुछ इस तरीके से दिखता है। कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोग को कैसा लग रहा है, उसका रिफ्लेक्शन आप देख ही रहे हो, पूरा आसमान दिख रहा है, बादल दिख रहा है उसमें। और इसी के साथ मैं वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ, आशा करता हूँ आप लोग को पसंद आए, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर।